आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित व ज्योतिषाचार्य रामेश्वर प्रधान का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। उनके निधन की खबर उनके कमरे से आ रही बदबू से पता चली। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित व ज्योतिषाचार्य रामेश्वर प्रधान मूल रूप से छपिया गांव के रहने वाले थे। काफी समय से चौमहला में किराए के मकान में अकेले रहते थे। मंगलवार रात्रि को कस्बे के जागरण कार्यक्रम में थे। वह रात्रि को अपने कमरे में चले गए थे। बुधवार सुबह से ही उनके मोबाइल पर घंटी जा रही थी। गुरुवार सुबह से उनका फोन बंद आ रहा था। गुरुवार दोपहर उनके कमरे से बदबू सड़क तक आने पर आसपास वालों ने परिजनों को सूचित किया तथा दोस्तों ने कमरे पर जाकर देखा तो अंदर से किवाड़ बंद था तथा बदबू आ रही थी। दोस्तों व आसपास वालों ने पुलिस को सूचना दी। किवाड़ तोड़कर देखा तो वह मृत अवस्था में थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपर्द कर दिया। संभवतया मंगलवार रात्रि ही हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई। उनके पूर्व में हृदय सर्जरी हो चुकी थी। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। ये आज 3:30 बजे करीबन टेलीफोन से मुझे त्रिलोकचंद्र ऐसा को सूचना मिली कि झंडा चौक के पास में कैलाश चंद जी का मकान जिसमें से किराए से रहते हैं क्या नाम है इनका रामेश्वर जी पंडित जी जो अच्छे ज्योतिषी पंडित हैं किराए से रहते हैं। इस मकान में अंदर से कुंडी लगी हुई है और बदबू आ रही मक्खियाँ बिन बिन आ रही है। मैं मौके पे पहुँच कर और पास वाले मकान पे एक व्यक्ति को चढ़वा के अंदर से कुंडी खुलवा करके देखा। ऊपर तीसरे मंजिले के कमरे में रामेश्वर जी कम्बल ओढ़ कर सोए हुए थे जो मृत अवस्था में पाए। इनके परिजन भी मौके पर आ चुके थे आ गए थे जिनको अस्पताल CAC चौमहला लेके आए हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो परिजनों ने बताया कि ये पहले से अटैक की बीमारी छल्ला उल्ला डला हुआ है। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जैसी भी कार्रवाई होगी की जाएगी।